है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में टीसी जमीन की खातेदारी देने की मांग को लेकर किसानों का आमरण अनशन जारी है। आमरण अनशन पर किसान नेता राकेश बिश्नोई, महावीर तिवारी समेत कई लोगों का धरना जारी है। वहीं अब टीसी संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल और एसडीएम कपिल कुमार यादव के बीच हुई वार्ता विफल होने से किसानों में आक्रोश है। इसी के चलते प्रशासन ने एक बार फिर किसानों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करने का निर्णय लिया है। प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता विफल रही है, फिर से वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। दिनों से कर्मी कमीशन चल रहा था, लेकिन अभी 18 तारीख से छह साथियों किसान साथियों के साथ में आमरण अनशन पर है। खातेदारी मामले को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि प्रदेश के अंदर कोई भी खातेदारी से वंचित जो किसान है उसको खातेदारी मिलेगी, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो किसान को परेशान करना चाहता है और भूमाफियाओं की आड़ के अंदर वो काम करना चाहते हैं। आज एसडीएम मोदी से वार्ता थी, कल जिला स्तरीय अधिकारी आएंगे और वार्ता करेंगे, और जब तक खातेदारी और पानी का जो मसला है, बीमे का मसला, जब तक ये पूरा नहीं होता था संघर्ष जारी रहेगा, आमरण अनशन जारी रहेगा। तहसील परिसर के किसान बैठे हैं, इनकी कुछ 7 से 8 जो मांगे हैं और उनके संदर्भ में इनसे पहले पूर्व में भी वार्ता की गई थी, आज पुनः इस संदर्भ में वार्ता की गई है और वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई और इनके जो कुछ इश्यूज थे वो जिला स्तर से संबंधित थे, तो यह वार्ता में तय किया गया कि कल पुनः 10 बजे और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता संजय चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी संजय, देखिए किसानों प्रशासन के बीच में लगातार जो वार्ताएं हो रही हैं विफल होती हुई नजर आ रही हैं, किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं, इनकी मुख्य मांगे क्या हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये तो टीसी का मामला है, ये आज का नहीं है, ये वर्षों पुराना मामला है। टीसी जो भूमि है टेम्परेरी कल्टीवेशन के लिए इन काश्तकारों को दी गई थी, जिस पर ये काश्तकार लगभग 30 साल से 40 साल से काश्त कर रहे हैं। उन काश्तकारों की ये मांग है कि उनकी जो भूमि है उन्हें पुख्ता की जाए, मतलब खातेदारी का अधिकार इन किसानों को दिया जाए ताकि जमीन पर जो अन्य लाभ है वो भी इन किसानों को मिल सके, परंतु प्रशासन की तरफ से इन्हें खातेदारी का अधिकार अभी तक नहीं दिया गया है। इसको लेकर पहले भी 2 माह तक तहसील कार्यालय के अध्यक्ष धरना चला था, परंतु तब भी वार्ता सिरे नहीं चली, एवं प्रशासन कुछ लोगों को खातेदारी अधिकार दिया, उसके बाद में पुनः इन फाइलों को रोक दिया गया। जी। इन किसानों का कहना है कि हमने जो फाइलें जिला हेडक्वार्टर भेजी थी उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, तरह तरह के नोट लगाकर उनको वापिस भेजा जा रहा है, इन किसानों को परेशान किया जा रहा है, तो उनको खातेदारी के अधिकार से वंचित किया जा रहा है जो की सरासर गलत है। इसको लेकर टीसी संघर्ष समिति के बैनर तले इन किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उपाधिकारी के साथ इनकी वार्ता हुई परंतु वार्ता सिरे नहीं चढ़ी। उनका कहना था कि जब तक जिला मुख्यालय से कोई अधिकारी जो फाइलें देख रहा है, जिला कलेक्टर स्वयं देख रही है, उनका कोई प्रतिनिधि आकर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता, तब तक ये धरना जारी रहेगा और इसमें जो धरने में लोग रहे हैं लोगों का सहयोग मिल रहा है। शराबबंदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा भी आज धरने पर बैठेंगी, ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम भाटिया, अन्य नेता भी एक राकेश नेतृत्व में पिछले 4 दिनों से आज आमरण पर बैठे हैं। क्योंकि मुख्य मांग यही है कि इनकी जो टीसी भूमि है उस पर इन्हें खातेदारी का अधिकार दिया जाए, जिसको लेकर आज उपखंड कार्यालय में गंगानगर से एक जो टीम आएगी उनके साथ इनकी वार्ता रखी गई है। कल जो वार्ता थी वो विफल हो गई, उसी को लेकर आज एक वार्ता रखी गई है जो मुख्यालय से आई टीम इनके साथ आज वार्ता करेगी, उसमें क्या होता है ये देखने की बात है। जी शुक्रिया संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो प्रशासन और किसानों के बीच कई वार्ताएं हुई हैं, लेकिन वो विफल साबित हुई हैं। फिर से वार्ताओं का दौर शुरू हो चुका है।